लगता है हमारे निकलने का टाइम हो गया है। परचामा अब तक नहीं आया है, कहाँ है वो? बाकी क्लासेस के सब बच्चे चले गए। चामा अब तक नहीं आया। ये चामा जरूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर ठूस कर नाश्ता कर रहा होगा। देखो वो आ गया। चामा बाबा, हाँ, हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं। धक्की 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 फंस गए स्कीइंग ट्रिप पर और पापा के प्यार ने बचा लिया। तुम सब लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो? चामा बाबा का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। क्लास में सोते हो क्या? पता नहीं आज हम स्कीइंग के लिए जा रहे हैं। स्कीइंग के लिए क्यों जा रहे हैं? नादान बच्चे, हमारे दिमाग और शरीर को ट्रेन करने के लिए। हम 3 दिनों के कैंप पर जा रहे हैं, जहां पर हम अकेले रहना और मुश्किलों से लड़ना सीखेंगे। क्या कहा? 3 दिनों के लिए? चामा, तुम्हें ये बात पता नहीं थी? तुम कभी टीचर की बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं ऐसे 3 दिनों के लिए नहीं जा सकता टीचर। क्या? मुझे अपने पापा से परमिशन लेनी होगी। ये सही कह रहे हैं, हम घर जाकर मालिक से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं। चामा, तुम घर जाकर अपने पापा की परमिशन लो और सीधा कैंप पर आ जाओ। मैं आ जाऊंगा। सुनो काकिनो, तुम चामा के साथ ही रहना, उसे कैंप पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, पर मेरी क्यों? क्योंकि तुम हो मेरे चड्डी बड़ी। हाँ, तुम चामा के चड्डी बड़ी हो ना। उसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, रुको। ये गलत बात है। क्या कहा? स्कीइंग कैंप पर जाना होगा? मालिक ने 3 दिनों तक घर से दूर रहना होगा। क्या कह रहे हो? 3 दिनों तक हम एक दूसरे के बिना रहेंगे? हाँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मेरे प्यारे पापा? नहीं, तुम्हें जाना होगा चामा। हे? आपने क्या कहा पापा? अकेले रहना सीखो चामा। मुझे नहीं रहना अकेला। ये जरूरी है, सोना आग में तपकर ही सोना बनता है। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। चामा बाबा। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। हम लोग पूरे 3 दिन तक नहीं मिलने वाले। हाँ पापा। चामा, ये हेलीकॉप्टर्स तुम्हें तुम्हारे कैंप साइट तक ले जाएंगे। अकेलापन महसूस हो तो फौरन मेरे पास आ जाना। ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगा। बेटा, अगर तुम चाहो तो कल भी आ सकते हो। जल्दी जाओ वरना मालिक जाने नहीं देंगे। बाप बेटे मुझे समझ ही नहीं आते। बर्फीले पहाड़, ये कितने खूबसूरत है। क्या मजा आ रहा है। वाह, कितना खूबसूरत है। हाँ, ये स्की स्लोप बहुत ही अच्छा है। टेस्टी भी लग रहा है। ये बिम्बो कभी नहीं सुधरेगा। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स। मुझे मिस तो नहीं किया, सॉरी देर हो गई। अरे अरे, नीचे देख कर उतरो। बिम्बो, बर्फ का टेस्ट कैसा है? फ्रिज के बर्फ से तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खा सकता हूँ? आ जाओ, बहुत सारा है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, मुझे स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर खाना है। जैसा आप कहें चामा बाबा। ये अब क्या करने वाले हैं? स्ट्रॉबेरी वाला गोला बन गया। मैं सारा का सारा खा जाऊंगा। ओ अच्छा, तो ये स्कीइंग स्कूल ऐसे शुरू हुआ था। बहुत दिनों बाद खुल के आया हूँ। पानी कुछ ज्यादा ही गर्म नहीं है काकिनो? गर्म तो है पर अच्छा भी लग रहा है। ठीक 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 ठीक, मैं नहाने के लिए एवर रेडी हूँ। गलत लैंडिंग। अरे तुम खुद को समझते क्या हो? गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, बहुत गरम है। कभी गरम पानी से नहाए नहीं क्या? ठंडी में गरम से ही नहाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना।
लगता है दूसरी तरफ समायो और उसके दोस्त हैं। दीवार की दूसरी तरफ पानी ठंडा होगा। तुम ये क्या कर रहे हो चामा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर पानी जाने की जगह जो दूसरे साइड पर खुलती है। रुको, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? तुम्हारी सांस अटक जाएगी। टीचर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। मेरा सर फंस गया है, निकल नहीं रहा है। उसके पैर को क्या हो गया? शायद पानी में योगा कर रहा है। अरे ये तो फंस गया। चाची तेरी हेली को भाई ले गए, बाकी जो बचा था वो भाई ले गए। चाची तेरी हेली को भाई ले गए, बाकी जो बचा था। रुको जी, हम सबके साथ यहाँ बैठने क्यों नहीं आया? ओह, वो उसका सिर फंस गया था क्योंकि वो पानी नहीं, नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आराम करने गया है। हाँ सही कहा, वो कमरे में सो रहा है। लकड़ी का घोड़ा नाचे है थोड़ा। बस करो, बहुत गाने गा लिए, अब सोने का वक्त हो गया है, चलो सो जाओ। जी टीचर। गुड मॉर्निंग। कोई है? मदद करो, मुझे भी कपड़े पहनाओ प्लीज। तुम छोटे बच्चे हो क्या? गुड मॉर्निंग। बच्चों फटाफट नाश्ता खत्म करके स्की कॉस्ट्यूम पहन कर बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके टीचर। क्या कर रहे हो तुम? मस्ती मत करो और चुपचाप खाना खाओ। स्कीइंग शूज कितने भारी होते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे ये क्या चमक रहा है? चमकीले जूते। मेरे स्की शूज सोने से बने हुए हैं और उनमें असली हीरे जड़े हुए हैं। ऐसे स्की शूज कौन पहनता है? जलन हो रही है इसलिए कह रही हो? ओए बिनबो, तुम ये क्या कर रहे हो? एक मेरी छोटी बहन के लिए और एक मेरे भाई के लिए और बाकी मेरे लिए। बिनबो सुनो, क्या तुम इतनी ठंड में स्कीइंग करने ऐसे जाओगे? बोलो तुम्हें क्या करना है चामा? ओबो चामा, पहले खुद को तो देखो, तुम स्कीइंग के लिए ऐसे जाने वाले हो क्या? तुम्हें स्की कॉस्ट्यूम पहनना होगा। मैं अभी मंगवाने ही वाला था। लो आ गए। वो क्या चीज है? ये देखो मेरी स्की कॉस्ट्यूम। ये तो एक रोबोट है। हिंग चिंग हुश। अगर स्कीइंग करते वक्त मैं गिर गया, चोट लगी तो छोटे से लगेगी, मुझे नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। चलो स्कीइंग शुरू करते हैं। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? खेल खत्म।